हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोग के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, तो इस वाली नॉवल का ना मैं ऑलरेडी पहले भी एक रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ। मतलब ये मत सोचना कि सेम ही नॉवल है, नहीं, इसमें ना कुछ चेंजेस किए गए हैं, या फिर ये कह लो कि ये वाली नॉवल जो है ना वो हटा दी गई थी और कुछ रीजंस थे। अच्छा, मैं पहले जो इस नॉवल का नाम था पहले मैं आप लोग को वो बता देती हूँ। जो पहले इस नॉवल का नाम था ना वो था माय एरोगेंट स्टेप ब्रदर। अब आप लोग को याद होगा मैंने कुछ दिन पहले इसका रिव्यू शेयर किया था, ठीक है। तब इसमें कुछ ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न थी, लेकिन अब इसको बदल दिया गया है। पॉकेट एफएम वालों को ये स्टेप ब्रदर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो पसंद नहीं आया। नहीं भी आया होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अब जो ये स्टोरी है ना उसको नए सिरे से जो है वो शुरू किया गया है, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ, ठीक है। अब वो चेंजेस क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी जितना मैंने पढ़ा है उस स्टोरी को। उसके बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे हम इस वाली वीडियो में और जानेंगे कि क्या कमी है या फिर क्या और चीज़ों को सुधारा जा सकता है, ठीक है। तो इसके जो डिटेल्स होंगी ना वो तो मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये जो स्टोरी है ना उसका नाम है माय एरोगेंट डेमन। इसकी रेटिंग जो है वो 4.8। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है फ्रोजन और इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 11 के आसपास है, ठीक है। हाँ, 11 के आसपास इसके चैप्टर्स जो हैं वो अभी अवेलेबल हैं आप लोगों को। बाकी इसके इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो कहते हैं किसी की मासूमियत के साथ इतना भी मत खेलो कि दूसरे को मासूम होना गुनाह लगे। जिसने भी ये कहा है सही कहा है। ये कहानी है आयु की, जो बेहद ही मासूम, खूबसूरत और 18 साल की प्यारी सी लड़की है। दुनिया की सारी बुराइयाँ उससे कोसों दूर हैं, लेकिन उसकी खुद की माँ उसे कर देती है एक 55 साल के अपाहिज बुड्ढे से शादी करने के लिए मजबूर। आयु इस बात का काफ़ी विरोध करती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। तभी होती है उसकी ज़िंदगी में एक डेमन की एंट्री, ठीक है, डेमन की एंट्री। और अबीर कपूर, जिसके लिए दिल का कोई रिश्ता मायने नहीं रखता था, बस उसके दिल में एक ही थी, वो भी ना जाने उसे कब से ढूंढ रहा था। और इसी बीच अबीर कर देता है आयु को अपनी ज़िंदगी अपनी खुद की दुनिया में कैद और उसे अबीर की दुनिया को अपनाने पर मजबूर। तो क्या कभी आयु की मासूमियत अबीर को बदल पाएगी? तो ठीक है, अब आप लोगों को समझ आ गया हीरोइन की साइड वाला, आप लोगों को क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो जो इनकी माँ करती है उसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मेरे को भी खुद ऐसे हैरानी होती कि लाइक सीरियसली उनकी रियल मॉम है। चलो ठीक है, कुछ नहीं किया जा सकता यार, किसी की हम सोच को, थॉट्स को नहीं पढ़ सकते या फिर किसी के बिहेवियर को भी हम नहीं चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मे बी उनके लिए पैसा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी बेटी से। और तो और वो भी ऐसा सीन था कि वो अपनी ही जेठानी बना रही थी अपने ही बेटी को। सीरियसली, मतलब क्या ही सोचा ना। ये कॉन्सेप्ट तो मेरी समझ से शुरू से ही बाहर था। ये पहले भी नॉवल में यही चीज़ थी, अभी भी यही है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो इस चीज़ को लेकर तो मैं कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन ये चीज़ मेरे दिमाग में ना बहुत खटकती है। चलो ठीक है, इसको भी रख देते हैं हम थोड़ा सा साइड। ये अब वो बात अलग है कि आगे चल के मे बी कुछ और चीज़ें सामने निकल कर आए इनकी ये मॉम वाले कॉन्सेप्ट को लेके, ठीक है। तो अब हमारी हीरोइन वहाँ से बचकर भागती है और उनके मतलब हमारे हीरो जो हैं अबीर, उनकी एंट्री हो जाती है इनकी लाइफ में। तो अबीर जो हैं वो इनके लिए ये कह लो कि एक मसीहा की तरह भी हुए, लेकिन एक तरीके से डेविल भी हुए, क्योंकि इनका जो कनेक्शन है ना वो बचपन वाला कनेक्शन है। आप लोग इस स्टोरी को देखोगे ना, आपकी बार ये कहानी जो शुरू होती है ना वो थोड़ी बचपन से होती है, कि आप लोग को दिखाया जाता है कि दो बच्चे होते हैं साथ में और कुछ ऐसा हुआ होता है कि वो उनको बोलते हैं कि तुम यहीं पर रुकना, मेरा इंतज़ार करना, लेकिन दोनों जो है ना वो बिछड़ जाते हैं, ठीक है। अब वो क्या हुआ था बेसिकली, क्या नहीं हुआ था, ये जानने के लिए तो आप लोगों को खुद ही नॉवल को पढ़ना पड़ेगा। पूरी चीज़ें तो डिटेल में मैं नहीं बताऊँगी, लेकिन हाँ इतना समझ लो आपकी ये बचपन का ही इनका जुनून है और अभी इनको वो मिल चुकी है और अभी इनके साथ जो है वो रहना चाहते हैं। तो ये चीज़ ठीक भी है, नहीं भी है, लेकिन हमारी हीरोइन जो है वो इनको इतना ज़्यादा खास पसंद नहीं करती है। अब क्या रीज़न है और क्यों वो इनको अपने साथ ज़बरदस्ती रखना चाहते हैं, हालांकि बचपन में ही इन्होंने बोल दिया था तुम्हें मेरे साथ ही रहना है। तो ठीक है, चाहे वो रोएगी या फिर हंसेगी, वो उसका कारण वो दोनों वो खुद ही बनेंगे और किसी को उनकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने देंगे। तो चलो भाई, ये चीज़ ठीक है, लेकिन क्या इसकी प्रॉपर मिस्ट्री है, क्या कोई रिवेंज है या रिवेंज तो नहीं है, तो ये इनको अपने साथ ही क्यों रखना चाहते हैं, ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। और तो उनकी फैमिली का जो सीन है वो तो अलग ही है।
आप लोग खुद ही पढ़ोगे तो आप लोग को चीज़ें जो हैं वो क्लियर होंगी। हालांकि इतना ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं किया गया है अभी कुछ भी इनकी फैमिली को लेके, लेकिन जब आगे चल के चीज़ें सामने आएंगी तो क्या होगा और क्या नहीं होगा ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अभी भी जिस तरीके से मतलब पहले स्टोरी जो है वो मिस्टीरियस थी, अभी भी उस तरीके से मिस्टीरियस ही है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें एक्सेप्टेंस है, क्योंकि अभी बचपन में चाहे जो भी हुआ हो लेकिन अब चीज़ें जो हैं वो अलग हो चुकी हैं। तो हमारे हीरो किस तरीके से उनको कंसोल करेंगे, अपने साथ रहने के लिए मजबूर करेंगे या फिर उन्हें मनाएंगे, ये सब कुछ जानने के लिए तो आप लोग को खुद ही इस नॉवल को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा बात की जाए थोड़ा स्टेप ब्रदर वाले कॉन्सेप्ट की, कि भाई पहले ऐसा सीन दिखाया गया था कि ब्लड रिलेशन नहीं है लेकिन फिर भी स्टेप ब्रदर है, तो ठीक है कुछ नहीं किया जा सकता इस चीज़ को लेके। अब तो वो चीज़ हट गई, हालांकि इतना ज़्यादा खटक नहीं रहा था, पर मुझे समझ नहीं आया कि पॉकेट एफएम को क्या प्रॉब्लम हुई। लेकिन चलो जो भी हुई, मे भी शायद ठीक नहीं लगा होगा इन्हें, इस वजह से जो है उन्होंने हटा दी। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि पॉकेट एफएम पे ऐसा बहुत सा कंटेंट है जो कि अवेलेबल नहीं होना चाहिए। उस चीज़ को लेके आप लोग क्या बोलोगे? इस नॉवल को तो आप लोगों ने फिर भी इस वजह से हटा दिया कि आप लोगों की नज़रों में आ गई, लेकिन ऐसा बहुत सा कंटेंट है जो कि ट्रेंडिंग में नहीं होता है लेकिन फिर भी वो अवेलेबल है, और वो ऐसा कंटेंट है कि वो किसी के ना तो पढ़ने लायक है ना वो देखने लायक है। आप उस कंटेंट का क्या करोगे? ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, होती है बहुत सारी चीज़ें, शायद अगर इनकी कभी नज़र पड़ जाती है तो वो कंटेंट हट जाता है या फिर वो नॉवल या जो भी चीज़ होती है वो हट जाती है। लेकिन ठीक है, फिर भी कुछ नहीं कहा जा सकता इस चीज़ को लेके। बाकी अब इसके डेली चैप्टर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं, बस इस स्टेप ब्रदर वाले कॉन्सेप्ट को चेंज किया गया है और बचपन वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ऐड किया गया है। बाकी अभी भी जो पहले चीज़ें थी वो तो अभी है ही हैं, बाकी ये किस तरीके से बदला लेते हैं, और जब मतलब बदला तो लेना ही है ना उन दुश्मनों से जो बचपन में जिनकी वजह से इनकी मॉम डैड को या फिर जो भी इनकी फैमिली को जिनकी वजह से सफ़र करना पड़ा, उनसे बदला तो लेना बनता ही है ना। तो मतलब अभी भी ये उतनी ही मिस्टीरियस एक्शन से भरी, बेशक डेविल बाकी इनके बीच में जो क्यूट स्वीट इनोसेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं वो चीज़ अलग ही हैं, क्योंकि वो इन दोनों का अपना पर्सनल ही है। ठीक है, तो रोमांस आप लोग को इसमें देखने को मिल जाता है, बाकी एक्शन देखने को मिल जाएगा, रॉयल लाइफस्टाइल आप लोग को देखने को मिल जाएगी। तो ठीक है, अभी जिस ट्रैक पर चल रही है स्टोरी वो ठीक है, लेकिन आगे क्या क्या आता है ये जानना काफ़ी दिलचस्प होगा। और फिलहाल के लिए हर कोई जो है इस नॉवल को पढ़ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि जो मैं आप लोगों को बोलूँ कि नहीं आप लोगों को ये नॉवल जो है वो नहीं पढ़नी चाहिए, हर कोई जाके पढ़ सकता है। और जिन्होंने पढ़ी भी है वो मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोग को ये नॉवल जो है वो कैसी लगी। मेरा मेन मकसद इस वीडियो को बनाने का यही था कि मैं आप लोग को बता सकूं कि वो नॉवल जो है वो आगे कंटिन्यू नहीं होगी, बल्कि न्यू नॉवल जो है इसकी अवेलेबल हो चुकी है। तो लिंक्स वगैरह मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जो है आप लोग इस नॉवल को पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो और मेरी रिव्यू स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक के फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊंगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।